रूस में पुलिस ने नरभक्षी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले 30 सालों में 30 या इससे ज्यादा इंसानों को मारकर खा गए हैं। यही नहीं, इन लोगों ने इंसानी मीट का अचार तक बनाकर रखा था। दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनके घर से 8 लोगों के शरीर के अंग भी बरामद किए हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक क्रासनोदर सिटी में रहने वाले 35 साल के दिमित्री बाकेशिव ने कबूल किया है कि वो अब तक 30 से भी ज्यादा लोगों को मारकर खा चुके हैं। इस काम में उसकी 42 साल की पत्नी नतालिया बाकेशिव भी उसके साथ थी। नतालिया पेशे से नर्स हैं। दोनों मिलिट्री एकेडमी के क्वार्टर हॉस्टल में रहते थे और उनकी फ्रिज और फ्रीजर से इंसानी अंग भी मिले हैं। यही नहीं, इनके घर से इंसानी मीट के अचार का एक जार और 19 खाले भी बरामद की गई। यही नहीं, उनके घर से एक प्लेट भी मिली जिसमें इंसान का काटा हुआ सर और संतरे रखे हुए थे। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि नतालिया इंसान के मीट के बिस्कुट बनाकर लोकल रेस्टोरेंट में उनकी सप्लाई करती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 11 सितंबर से इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस को सड़क से एक खराब मोबाइल मिला जिसमें लाशों के साथ आदमखोर पति पत्नी की तस्वीरें थी। इसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की। दावा किया जा रहा है कि दिमित्री अनाथ हैं और जब वो टीनेज था तब नतालिया उसे अनाथ आश्रम से अपने साथ ले आई और जब वो 18 साल का हो गया तो उससे शादी कर ली। पुलिस को शक है कि दोनों डेटिंग साइट के जरिए अपना शिकार ढूंढते थे। बताया जा रहा है कि नतालिया को दक्षिण रूस से गायब हुए कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाई गई जिनमें से दर्जनों लड़कियों को उसने पहचान लिया। पुलिस सूत्र के मुताबिक तस्वीरों को देखकर नतालिया ने उन्हें पहचान लिया। उसने पति के साथ मिलकर पहले इन लड़कियों की हत्या की और फिर इन्हें पकाकर खा लिया। खबरों में कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक ने नतालिया की जांच भी की और मानसिक रूप से स्वस्थ बताया है। उन्हें घर से पीड़ितों के कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। कई ऐसे वीडियो भी मिले हैं जिनमें इंसानी मांस से खाना बनाने के तरीकों के बारे में बताया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नतालिया मिलिट्री एकेडमी में नर्स थी और मुमकिन है कि उसने वहां काम कर रही ट्रेनी पायलटों के साथ इंसानी मीट शेयर किया हो। खबरों में कहा जा रहा है कि नतालिया को पीने की लत थी और इसी वजह से बतौर नर्स उसकी छुट्टी कर दी गई थी। बहरहाल पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है और गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि गायक शफकत अमानत अली सहित कई लोगों ने इस संबंध में आतिफ असलम का बचाव भी किया है। फिल्म समीक्षक उमर अलवी का कहना है कि लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि बॉलीवुड की फिल्में और शो पाकिस्तानी सिनेमा घरों और टीवी चैनलों पर प्रसारित होते हैं। फिल्म संगीत और कला की कोई सीमा नहीं होती।